गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक चल के आ रहा है। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपसे कोई बात ही नहीं की है। तुम तो हो भी नहीं हमसे बात करने लायक। एक तो वैसे यहाँ पे इतनी गर्मी है, ऊपर से सर का वेट करना पड़ रहा है। तो तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हारा मुंह देख के ना हमारा पूरा मूड खराब हो गया है। मैम आपको सर बुला रहे हैं। ओ हेलो, क्या बुला रहे हैं? हम लोग यहाँ पे इससे पहले से बैठे हुए, तो सर से मिलने तो पहले हम ही जाएंगे। मैम थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले सर ने मैम को बुलाया तो पहले मैम जाएंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तो हमारे सामने बोलेगा? अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? ये क्या तरीका हुआ बिहेव करने का? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको जाना है तो आप लोग मुझसे पहले चले जाइए। ओ प्लीज, कभी देखा है खुद को शीशे में? ओ सॉरी, देखोगी भी कैसे, उसके लिए तो बड़ा मिरर चाहिए ना। और तुम्हें क्या लगता है हमसे पहले तुम जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले तो हम आए तो हम ही जाएंगे। देखिए मैं आप दोनों को कुछ बोल नहीं रही, तो इसका ये मतलब नहीं आप मेरी चुप्पी का फायदा उठाएं। और हाँ, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ओ गॉड, तुम समझते क्या हो खुद को? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको जाना है तो आप लोग पहले चले जाइए, बट ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे यार, ये ऑफिस है और ऑफिस हम जैसे लोगों के लिए बना हुआ है, तुम जैसे मोटे लोगों के लिए नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये संस्कार दिए आपके माँ बाप ने आपको? ये सिखाया है क्या कि आप लोग दूसरे इंसानों को बॉडी शेम करें, उन्हें बुली करें? इंसान इंसान नहीं है तू, ट्रक है ट्रक। और हमारे माँ बाप को ना बीच में मत ला, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और मुझे लगता है तेरे माँ बाप ने सिर्फ तुझे खाने के लिए दिया है। वैसे कितना खा लेती है तू एक टाइम में? 10 किलो? 20 किलो? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग ना ही तो मुझे जानते हो, और पता नहीं तब से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो मेरे बारे में। मुझे तो लगता है तुम दोनों ने शायद स्कूलिंग भी नहीं की है, इसीलिए तुम दोनों को मैनर्स और एटिकेट्स बिल्कुल भी नहीं आती हैं। स्कूलिंग और मैनर्स की बात तो तुम करो ही मत, शक्ल से तो एकदम गवार लग रही हो। हमें देखो और खुद को देखो, कैसे हाथी लग रही हो। और ये कपड़े क्या पहने ऐसे एकदम लो क्लास के? मैम आप यहाँ, आपको सीएम सर बुला रहे हैं। एक मिनट, आप इसे मैम क्यों बोल रहे हैं? अरे आप मैम को नहीं जानते, मैम आईएएस ऑफिसर हैं। क्या आईएएस ऑफिसर? क्यों, क्या हुआ तुम दोनों को? सांप सूंघ गया मैम? वो लगा रखा है क्या? तुम जानते हो मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को ऑन ड्यूटी एक आईएएस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा सकती हूँ। लेकिन ये करने से क्या फायदा, तुम जैसे लोग कभी बदल ही नहीं सकते हैं। प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम लोग इंसान की नहीं उसकी पोजीशन और पार की इज्जत करते हो। अगर मैं आज एक आईएएस ऑफिसर नहीं होती तो शायद तुम लोग मुझसे माफी भी नहीं मांगते। अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता, पता नहीं उसको क्या क्या बोल के तुम लोग उसको इतना डीमोटिवेट कर देते। मैम हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, और ये गलती हम कभी दोबारा नहीं करेंगे। तुमने सिर्फ मेरे साथ ही बदतमीजी नहीं, उस गार्ड के साथ भी बदतमीजी की है, उसे थप्पड़ मारा है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत क्लासी हो, बहुत सुपीरियर हो? तुम लोगों को 1% भी तमीज नहीं है किससे कैसे बात करते हो और बिहेव करते हैं। जाओ उससे अभी माफी मांगो। प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर, वो गुस्से की वजह से हाथ उठा दिया मैंने। तुम जैसे लोग लोगों को उनकी फिजिकल अपीयरेंस देख के जज करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की होके दूसरी लड़की की इज्जत का तमाशा बनाते हुए? क्या तुम लोग जानते हो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? दुनिया चांद पे पहुंच गई है। तुम्हारे एज के लड़के लड़कियां देश का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर आज भी तुम जैसे लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं। तुम लोगों के विचार वही गंदी नाली की तरह है, चाहे उसको जितना साफ कर लो तब भी कहीं ना कहीं गंद छूट ही जाती है। मैम हम दोनों ने आपको बहुत कुछ बोल दिया जो हमें बोला भी नहीं चाहिए था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, और अगर करेगा तो उसे भी रोकेंगे। गलती हमारी थी और हमें इस बात का पछतावा भी है। सॉरी मैम, आगे से कभी नहीं करेंगे हम लोग। बेहतर यही होगा तुम दोनों सुधर जाओ, और आइंदा से कोई भी कंप्लेन आई तुम दोनों के अगेंस्ट, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। चलिए मैम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉडल के साथ, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से भेजिए, या फिर आप एक मॉडल कमेंट भी बता सकते हैं और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप लोग हमें सुझाव दीजिए कमेंट में, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ जल्दी से शेयर कीजिए,
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।